हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 6 जुलाई 2022 और आज फाइनली यूपी बीएड 2022 का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2022 में यूपी से भाई बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल से बस जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। आज एग्जाम हो गया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आंसर की कब आएगी, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो सभी लोग पेपर दे चुके होंगे, आप लोग बताइए आपका पेपर भाई कैसे हुआ, कितना स्कोर आप लोग किए हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, ठीक है। तो स्कोर अपना ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान सकूं इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितना आपका जा रहा हो। और हाँ, ये वीडियो आई थी अभी 4 से 5 दिन पहले, इसमें मैं बताया था कि इसमें से 10 नंबर पक्का हो सकता है, और फाइनली इसी क्लास से 4 प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिलेंगे हैं, ठीक है, 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी जाके देख सकते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो आपका पूरा प्रश्न भाई सही हुआ होगा। चलिए भाई, टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूं। आप लोग देखिए आपका क्वेश्चन सही हुआ है कि गलत हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे यूट्यूब पर सबसे पहले आंसर के लिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, ताकि सभी लोग भाई मिला सकें, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा इस चैनल के माध्यम से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था जीके में कि बीसी रॉय अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में सही जवाब लगा के आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस H2DEN के ही द्वारा प्राप्त हुए हैं, कुछ इधर उधर 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, बाकी सभी सटीक आंसर हैं, सभी सटीक प्रश्न हैं, फालतू के मतलब फर्जी प्रश्न इसमें नहीं है, ठीक है, वही प्रश्न है जो एग्जाम में आज पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा गया था संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जिस दिन पर्यावरण दिवस था 21 जून को, उसी दिन ये क्वेश्चंस में टाइप किया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि इस दिन यानी कि 21 जून को भाई विश्व संगीत दिवस एंड विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चंस करवाया था मैं, ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेसिडोनिया, ऑप्शन में ये नहीं पता है मुझे क्या दिया था, तो मेसिडोनिया में इनका जो है जन्म हुआ था मदर टेरेसा का, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस करवाया था, बहुत बार प्रैक्टिस इनकी क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चंस करवाया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का भाई आविष्कार किसने किया था, JL बेयर्ड ने किया था, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। उसके बाद ये भाई करंट अफेयर की क्लास से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा अभी के अभी जाके करंट अफेयर की क्लास में, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जनरल विपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी जो है मेरी करंट अफेयर की मैराथन क्लास से था, 21 मिनट की वीडियो में 8 नंबर का भाई प्रश्न फंसाया हूं मैं आपका, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो जुंको तेबाई या तांबे, ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। उसके बाद पूछा गया था, ये तो कई बार प्रैक्टिस सेट की क्लास में क्वेश्चन करवाया था, कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य से है, सितार वाद्य यंत्र से है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को बताता भी था कि ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सारके के बारे में भाई मैं तो कई बार आपको बताया हूँ, और फाइनली आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है सारके के बारे में, कि सारके का सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया था कई की सार की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पे है, काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं। पूछा गया था कि कौन सा सदस्य नहीं है सार्क का, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान और अफगानिस्तान को छोड़कर जो ऑप्शन में रहा होगा वही सार्क का सदस्य नहीं है। आप लोग बताएं क्या था ऑप्शन में, क्या था भाई,
आप लोग बताइएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म, तो एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लंदन में, हुआ था भाई लंदन में, ठीक है। जन्म से भाई दो क्वेश्चन पूछे गए थे जन्म से। उसके बाद ये तो क्वेश्चन मैं भाई प्रैक्टिस की क्लास में कम से कम तीन बार करवाया हूँ, तीन बार, और फाइनली आज के एग्जाम में देखने को मिल गया कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था। तो गोवा पर पुर्तगालियों का जो कब्जा हुआ था 1510 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड से हुई। ये क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंट मतलब कुछ अजीब टाइप से मतलब भेज रहे थे। औद्योगिक क्रांति ही आई थिंक पूछा गया था, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद क्वेश्चन, ये तो भाई कई बार करवाया था, स्पेशल क्लास में करवाया था मैं, स्पेशल क्लास में टॉपिक वाइज की, कुचिपुड़ी किस राज्य का नत्र है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नत्र है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नत्र है। उसके बाद ये भी कई बार क्वेश्चन में करवाया हूँ, ये तो लगातार मैं बता सकता हूँ कि अपनी क्लास से क्वेश्चन है भाई ये। तो कौन सा वेद सबसे पुराना है, चार वेदों में सबसे वेद पुराना है आपका ऋग्वेद। मैंने आपको बताया था कि कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा है, तो वो आपका यजुर्वेद है, ठीक है। तो फाइनली आज भी ये वेद से क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवाया था। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं भाई, कोचीन को कहते हैं, किसे कहते हैं, कोचीन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में एंड प्रैक्टिस की क्लास दोनों क्लास में करवाया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की रचना है। आप लोग बताइए आपका फर्स्ट पेपर में यानी कि 100 में से कितना सही हो सकता है, और सेकंड मीटिंग में भी 100 में से कितना आपका सही हो सकता है, ताकि मैं जान सकूं भाई स्टूडेंट के ही द्वारा कट ऑफ पता की जा सकती है, ऐसे फर्जी मैं नहीं बताता। आप लोग बताइए आपका क्या स्कोर जा रहा है, कितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने आपके मतलब सही हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और मेरी क्लासेस से भाई आपको प्रश्न देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, भाई मैं जब करा रहा हूं तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इसमें झूठ की क्या बात है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एनसीटीई कब लागू हुआ, एनसीटीई कब लागू हुआ, तो एनसीटीई लागू हुआ था 1995 में, ठीक है। उसके बाद ये भी करंट अफेयर की भाई मैराथन क्लास जो 21 मिनट की क्लास लिया था मैं, उससे ही क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2021 कहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें हरनाज संधू जो है विनर थी, तो ये जो है इसराइल में हुआ था आयोजित, ठीक है। आज ही देखिएगा, अभी जाके देखिएगा कि मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते रहे होंगे तो आपका अच्छा स्कोर गया होगा, ठीक है। और हाँ, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं, सॉरी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप करें जो भी क्वेश्चंस आज के एग्जाम में पूछे गए थे हिंदी के, ठीक है, ताकि मैं उसका सलूशन आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। इसमें तो जीके के मुझे जितने मिले हैं मैं उतने करवा रहा हूं, ठीक है। ई संजीवनी कब लागू किया गया था, ई संजीवनी जो है कब लागू किया गया था, ये जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 2019 में जो है ये COVID-19 मतलब इलाज से संबंधित है ई संजीवनी, तो 2019 में जो है ये लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 2021 में किसके CEO बने हैं, ऑप्शन आया था फेसबुक, ऐसे मतलब सोशल मीडिया के नाम थे उसमें, तो ट्विटर के अग्रवाल जी जो हैं बनाए गए थे 2021 में CEO ट्विटर के, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था, और ये मैं तो भाई टॉपिक वाइज इस हिस्ट्री की जब स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज क्लास में लिया था ये क्वेश्चन उसी में करवाया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CABE का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो CABE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये CABE का फुल फॉर्म है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी आप लोग याद करके जाइएगा, उनकी मतलब राजधानी हो गई, संसद के नाम हो गया, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो फाइनली एक राजधानी से क्वेश्चंस आज पूछ ही लिया गया है कि भूटान की राजधानी क्या थी, तो थिम्पू थी भूटान की राजधानी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किस संस्था ने स्थापित की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किस संस्था ने स्थापित की है, रेलवे ने स्थापित की है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस न्यायालय में सर्वाधिक महिला हैं, और पूछा गया था ये किस न्यायालय में सर्वाधिक महिला हैं और ये किस राज्य में है, तो मद्रास के न्यायालय में सबसे मतलब अधिक महिला हैं और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया विंस फ्रीडम, मेरे पास तो इंडिया फ्रीडम भाई कमेंट आया था कि इंडिया फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम होता है, इंडिया नहीं, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम, ये भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका था अपनी क्लास में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछा गया था पॉलिटी का, कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अभी 10 दिन पहले ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया था, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है, ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट डेज में आपको बताया था कि दो प्रश्न भाई आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली आज तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। उसके बाद ये हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है, ठीक है। तो जितने भी लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अपना अपना आंसर मिला सकें, ठीक है। तो यह वीडियो के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे इतने ही यानी कि 30 प्रश्न सटीक मिल पाए थे। तो आप लोगों का अब ये काम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7905632533 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसके अलावा जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आपको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को आप लोग फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें ताकि मैं तुरंत इसकी एक स्पेशल वीडियो लेकर आ सकूं, आंसर मैं आपको बता सकूं, सटीक आंसर आपको बता सकूं, ठीक है। तो बस ऐसी अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट बीएड की पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको भाई सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो पे। हिंदी के सभी प्रश्न शेयर करिए व्हाट्सएप पे, हमारे ये व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ 7905632533 पे आपको सेंड कर देना है। हिंदी कला वर्ग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे या रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको सटीक पता है कि हाँ यही प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग अभी के अभी शेयर करें व्हाट्सएप नंबर पर। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।